कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर जहां पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है, वहीं अमेरिका ने कोरोना वायरस वैक्सीन सबसे पहले बनाने का दावा किया है। हालांकि अमेरिका को इस बात की चिंता भी सता रही है कि कहीं उनके फॉर्मूले पर चीन सेंधमारी ना कर दे। कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर जहां पूरी दुनिया में रेस लगी है, वहीं अमेरिका ने इस वैक्सीन पर बड़ा दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि कोरोना वायरस का टीका सबसे पहले अमेरिका बनाएगा। ओब्रायन ने कहा, हम सबसे पहले कोरोना का टीका बनाने जा रहे हैं। हम थेरेपी और टीका बनाने के लिए जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, और एक बार जब हम कोरोना के टीके को बना लेंगे तो उसे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के साथ साझा करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि चीन अपने लिए वैक्सीन चुराने की कोशिश करेगा। चीन तकनीकी को खोजने की जासूसी में लगा हुआ है, जिससे हम टीका और चिकित्सा दोनों के लिए काम कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का वैक्सीन सबसे पहले अमेरिका बनाएगा। हम सबसे पहले कोरोना का टीका बनाने जा रहे हैं। टीका बनाने के लिए जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। हमें आश्चर्य नहीं होगा चीन हमारे फॉर्मूले को चुराने की कोशिश कर सकता है। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया जल्द से जल्द उसका इलाज पा लेना चाहती है। रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं ताकि लाखों जिंदगियां बचाई जा सकें। जिस तरह से कोविड-19 ने लाशों के ढेर लगाए हैं, उसे देखकर महाशक्तियां भी कांप गई हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, और देश में अब तक इस वायरस की चपेट में आने से 99,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,87,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। आज तक ब्यूरो। वैश्विक कोरोना महामारी के बीच उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को सार्वजनिक तौर पर कम ही देखा जा रहा है। एक बार फिर करीब 23 दिनों के बाद वो नजर आए हैं। रविवार को किम ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक का नेतृत्व किया। हालांकि बैठक के दौरान किम या किसी अन्य अधिकारी को मास्क पहने नहीं देखा गया। ये उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की ताजा तस्वीरें हैं, जिसे वहां की सरकारी न्यूज एजेंसी KRT ने जारी किया है। जब से पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर है, तब से ही किम जोंग उन को सार्वजनिक तौर पर कम ही देखा जा रहा है। करीब 23 दिनों के बाद एक बार फिर से उन्हें तब देखा गया जब वो सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान किम जोंग उन ने देश की परमाणु क्षमता बढ़ाने को लेकर बैठक में मौजूद लोगों से चर्चा की। बैठक में सशस्त्र बलों को और बढ़ाने, सैन्य क्षमता को मजबूत करने और परमाणु शक्ति बढ़ाने को लेकर नई नीतियां बनाने पर बात हुई। वो भी तब जब अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच गतिरोध बरकरार है। किम जोंग उन कई हफ्तों के बाद लोगों के सामने नजर आए हैं। पिछली बार भी वो 23 दिनों तक गायब रहे थे, जिसके बाद उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी थी। दरअसल वो 15 अप्रैल को अपने दादा की याद में होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे, और ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए अटकलें और तेज हो गई थी। इस बैठक की एक खास बात और ये रही कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस संकट से गुजर रही है, हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी है। इस बैठक में न तो किम जोंग उन ने मास्क पहना था और न ही बैठक में शामिल किसी और सदस्य ने। हालांकि उत्तर कोरिया का कहना है कि देश में कोरोना वायरस का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि उत्तर कोरिया में संक्रमण नहीं है। आज तक ब्यूरो। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में सोमवार सुबह 5.6 की तीव्रता के तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लाइव इंटरव्यू दे रही प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन टस से मस नहीं हुई। उन्होंने अपना लाइव इंटरव्यू जारी रखा। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन कोरोना वायरस और अन्य मुद्दों पर अपना ये इंटरव्यू दे रही थी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच न्यूजीलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इस दौरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भूकंप के झटकों के बीच एक अच्छी तस्वीर तब देखने को मिली जब राजधानी वेलिंगटन में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी। उसी दौरान 5.6 की तीव्रता के तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन टस से मस नहीं हुई और उन्होंने अपना इंटरव्यू इस दौरान भी जारी रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने भूकंप के दौरान इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार रयान ब्रिज को बीच में रोककर यह भी बताया कि राजधानी वेलिंगटन में संसद परिसर में क्या हो रहा है। We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a decent shake here, but if you see things moving behind me. भूकंप के झटके रुकने के बाद प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन ने बताया भी कि अब भूकंप थम गया है और हम ठीक हैं। अब लाइटें हिलना भी बंद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक मजबूत बिल्डिंग में बैठी हूँ। प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन कोरोना वायरस के मुद्दे पर इंटरव्यू दे रही थी। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 से जुड़ी कई जानकारियां साझा की। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस पर लगभग काबू पा लिया है, जहां पिछले कई दिनों से संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस से सूझबूझ के साथ निपटने का सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन को दिया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच न्यूयॉर्क के समुद्री बीच भी खोल दिए गए हैं। इस दौरान बीच के किनारे लोग मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें समंदर में जाने की इजाजत नहीं है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग बीच पर मौज मस्ती करते दिखे। हालांकि इस दौरान लोगों को सामाजिक दूरी का खास ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। इस दौरान 10 लोग एक एक समूह एक जगह जमा नहीं हो सके। साथ ही एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाकर भी रखना है और घर से बाहर निकलने वाले हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, इस बीच चीन के नाइट क्लब में रौनक लौट आई है। एक बार फिर से चीन के नाइट क्लब खुल गए हैं और लोगों की भारी भीड़ इन क्लबों में मस्ती करने पहुंच रही है। हालांकि नाइट क्लब को लेकर चीन प्रशासन की ओर से विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। क्लब में एंट्री से पहले हर किसी को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना हो रहा है और हर किसी को अपनी व्यक्तिगत पहचान भी जाहिर करनी है। इतना ही नहीं, क्लब में काम करने वाले बाउंसर, बार और वेटर समेत सभी कर्मचारियों को मास्क और दस्ताने पहनने की सख्त हिदायत दी गई है। कोरोना महामारी की वजह से ईद का जश्न इस बार फीका रहा। हर साल ईद धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की परछाई साफ साफ दिखी। इस पर तुर्की और सऊदी अरब में लॉकडाउन के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकले, जबकि इंडोनेशिया में सरकार ने रिश्तेदारों से मिलने पर पाबंदी लगा दी। कोरोना महामारी के कारण इस साल दुनिया के कई देशों में पूरे रमजान के दौरान लॉकडाउन रहा। ईद के मौके पर कुछ देशों में लॉकडाउन में थोड़ी ढील तो दी गई, लेकिन लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा गया। चांद निकलने का समय भी अलग अलग देशों में अलग होने के कारण कहीं ईद शनिवार को मनाई गई तो कहीं रविवार को। वहीं भारत समेत कई देशों में ईद का जश्न सोमवार को मनाया गया। कीनिया सहित अफ्रीका के कई देशों में जहां शनिवार को ईद मनाई गई, वहीं थाईलैंड और इंडोनेशिया में लोगों ने रविवार को ईद मनाई। पारंपरिक तौर पर ईद के दिन लोग मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते हैं। लेकिन इस साल कई देशों में लोगों के लिए ईद पहले से अलग थी। कोरोना महामारी के कारण कई देशों ने बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी। साथ ही मस्जिदों में नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई। यहां तक कि पवित्र मक्का मस्जिद में भी लोगों को जाने नहीं दिया गया। मक्का में ईद के दिन चंद लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हुए नजर आए। दरअसल तुर्की और सऊदी अरब में लॉकडाउन के कारण जहां लोग घरों से बाहर नहीं निकले, वहीं इंडोनेशिया में सरकार ने रिश्तेदारों से मिलने के लिए लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। हालांकि यहां बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में पहुंचे। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।